एवरीवन, आज हम ओमलेट बनाएंगे। तो ये मैंने मूंग की दाल को 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। ये देखो मेरी दाल भीग चुकी है। अब इसे मैं पानी निकाल कर और इसको पीसूंगी। मैं जार में डाल रही हूँ और इसे थोड़ा थोड़ा पानी करके डालना है और अच्छे से इसे पीस लेना है। इसे ज़्यादा पतला भी नहीं करना, बस ये इतना होना चाहिए। मैंने एक कंटेनर में निकाल लिया है इसे और अच्छे से मैं इसे फेंटूंगी। और इसमें अब मैं चावल का आटा डाल रही हूँ। ये मैं 2.5 चम्मच डालूँगी, 2.5 स्पून चावल का आटा। चावल का आटा मैं इसलिए डाल रही हूँ कि इससे ये क्रंचीनेस आता है, थोड़ा सा कुरकुरा बनता है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैंने पानी नहीं डाला है इसमें और बस इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ स्वाद अनुसार। मैंने 1/2 चम्मच लिया है और 1/2 चम्मच ही मैंने लाल मिर्च लिया है, रेड चिली पाउडर। और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रखूँगी। और जितना मुझे बनाना होगा ये मुझे अच्छे से 2-3 मिनट के लिए लगातार फेंटना है, जिससे कि ये फ्लफी हो जाएगा। और ये मैंने शिमला मिर्च, गाजर, हरी मिर्च सब चॉप कर लिए और प्याज भी चॉप कर लिए सारे। अब ये एक कटोरी में मैं 3 चम्मच भर के लूँगी। अब ये मैंने इसमें हल्का सा पानी मिला के इसे थोड़ा सा पतला किया है। अब इसमें मैं सारी थोड़ा सा और पतला करूँगी, जैसे कि मैं सब्जियाँ डालूँ तो अच्छे से मिक्स हो जाए। ये अब ठीक है। अब मैं इसमें इनो डाल रही हूँ। इनो डालने के बाद ये जल्दी से फूल जाएगा और इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी और इसमें सब्जियाँ डालूँगी। आप चाहे तो पहले भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो बाद में भी डाल सकते हैं सब्जियाँ इनो डालने से पहले। अब मैंने गैस पर फ्राई पैन रख दिया है और इसमें देसी घी भी डाल दिया है। अब जल्दी से मैं इसमें मूंगलेट का पैटर्न डालूँगी, उसे फैला लूँगी। फैलाने के बाद मैं इसे अच्छे से फैलाऊँगी और ऊपर से थोड़ी सी सब्जियाँ भी डाल के। अब जितनी सब्जियाँ पसंद करते हैं उस हिसाब से मैंने शिमला मिर्च और गाजर ऊपर से लगा दिया और इसे ढक के पकाऊंगी। इसे 2 मिनट तक पकाना है ढककर। और अब इसे मैं पलट पलट करके अच्छे से सेक लूँगी। अब फिर ढक्कन लगा के मैं इसे रखूँगी। 2 मिनट में और साइडों पर थोड़ा सा घी लगाऊँगी और ऊपर भी थोड़ा सा। और अब ये मेरा 2 मिनट हो चुके हैं। अब ये पलट के देखते हैं। ये हमारा मूंगलेट बनके तैयार है। इसको अलट पलट करके एक दो बारी और अच्छे से सेक लूँ। अब ये मैंने कट कर लिया है और इसे फोल्ड करके और मैं निकाल रही हूँ। ये हमारा मूंगलेट बनके तैयार है खाने के लिए। इसे आप हरी चटनी के साथ या टमाटो सॉस के साथ। अब मैं ये दूसरा मूंगलेट बना रही हूँ। अब मैं दूसरा मूंगलेट बनाने जा रही हूँ तो इसमें मैं सब्जियाँ पहले डालूँगी। तो गाजर मैंने अच्छे से भर के डाल दिए 1 चम्मच। और अब ये शिमला मिर्च डाल रही हूँ, ये प्याज डाल रही हूँ और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं बाद में डालूँगी इनो। ये सब्जियाँ अच्छे से मिक्स हो गई है।
अब हल्का सा इनो डालना है एक चुटकी भर, और इसे मिक्स कर देना है। ये अच्छे से फूल गया, और अब मैं फ्राई पैन में घी डाल के और गरम कर दिया फ्राई पैन को। अब मैं इसमें ये सारा मूंगलेट का पैटर्न डाल दूँगी, इसे अच्छे से फैला लेंगे। ये लो फ्लेम पे बना रही हूँ मैं, और इसे अब मैं ढककर 2 मिनट तक पकाऊंगी। और ये लो फ्लेम पे बनाना है। दो मिनट हो चुके हैं, अब इसे मैं पलटूंगी। ये अब 2 मिनट के लिए इस साइड से, और इसे ढक के पकाऊंगी। ये 2 मिनट हो चुके हैं, तो अब इसे मैं पलटूंगी, और ये हमारा मूंगलेट बनके तैयार है। अब मैं इसमें थोड़ा सा, आप चाहे तो इसमें मक्खन लगा सकते हैं या घी लगा सकते हैं। मैं इसमें कट लगा के इसमें घी लगा रही हूँ। और इसे थोड़ा सा ढक के रखूँगी कि घी इसमें मेल्टों के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। और ये हमारा मूंगलेट बन के तैयार है। आई होप ये आपको पसंद आएगा, और ये खाने में बहुत टेस्टी होता है, और ये बहुत ही बिना अंडे का ऑमलेट जैसा लगता है ये मूंगलेट। आई होप ये आपको पसंद आएगा।